संत रविदास सेवा संस्थान भोपाल एवं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में अखिल भारतीय रविदास वंशीय समाज का 15वां युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह प्राचीन संत रविदास मंदिर भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश के मंत्री प्रभुराम चौधरी, राज्य मंत्री दर्जा एवं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर एवं महापीठ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सूरजभान कटारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी चांदराम दिल्ली, राष्ट्रीय महामंत्री सूरज गेरो, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी, अध्यक्ष नगर निगम सागर, राष्ट्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश विजय सिंह प्रेमी, वृंदावन अहिरवार सहित अनेक अतिथि शामिल हुए एवं मध्य प्रदेश के कोने कोने से पंचायत चुनाव एवं नगर निगम चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर प्रशस्ति सम्मान पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर सभी युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपने भावी जीवन साथी के लिए परिचय दिया। बड़ी संख्या में युवक युवतियाँ एवं उनके अभिभावकों ने परिचय दिया गया। समारोह में संतों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बारीलाल अहिरवार, जिला अध्यक्ष खिलान अहिरवार, कोषाध्यक्ष सुनील अहिरवार, कार्यालय मंत्री रामदास दिलारे, महामंत्री सचिन वर्मा, आईटी प्रभारी सनी अहिरवार, प्रदीप नागर, हेमंत सिंह, नितिन जिग्ने, हेमंत आदि मौजूद रहे। मैं सूरज केरो, महापीठ का राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आज संत श्रोमणी गुरु रविदास अनुयायी समाज का अखिल भारतीय पढ़ने परिचय सम्मेलन बरखेड़ा भोपाल में आज यहाँ पर हुआ। हमारे महापीठ और संत रविदास सेवा संस्थान के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई बारीलाल जी अहिरवार, उनकी पूरी टीम ने बहुत उम्दा इंजाम यहाँ पे किए। सभी अभिभावकों ने प्रविष्टियाँ दी, उनसे मिलने के अवसर जुटाए, बच्चों ने अपना परिचय दिया। साथ ही साथ जो है यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और देश ही नहीं विदेश से रहने वाली प्रविष्टियाँ भी आज इस पुस्तिका के अंदर प्राप्त हुई हैं। ये पूरे साल निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, इसका लाभ पूरे समाज को पूरे साल मिलता है और ये बहुत ही बहु उपयोगी ये कार्यक्रम है। समाज इसकी प्रशंसा करती है, साथ ही साथ कार्यक्रम में समाज एकजुट भी होता है और हमारा जो काम करने वाला जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो भी उभरती है। कई तरह के हमारे जो आयाम है उनको ये साधता है। बहुत उम्दा कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 दर्जन स्थानों पर ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराते हैं और नई नई जगह जहाँ नहीं हो रहा वहाँ में हम कराने का प्रयास जारी है। सर, आज का युवा भी एकजुट होकर कार्य करने को तैयार है और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए हमारा संदेश यही है कि समाज में बढ़ चढ़कर कम से कम वो हिस्सेदारी ले, जितना समय उसके पास है उतना समय दे। पढ़ाई के अलावा, अपने कार्य के अलावा कम से कम जितना समय दे सकता है वो समाज के लिए भी दे। साथ ही साथ नौकरियों का आजकल अभाव है, आरक्षणों के भरोसे ना रहे और आत्मनिर्भर बनकर के वो नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, यही हम सभी को कहते भी हैं और यही उनसे आग्रह भी है। संत रविदास सेवा संस्थान एवं गुरु रविदास विश्व महापीठ के तत्वधान में 15वां अखिल भारतीय रविदास समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन का आज आयोजन रखा गया। इस आयोजन में पूरे मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया, संतों का सम्मान किया और हमारे मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे राज्य मंत्री दर्जा स्थानीय विधायक माननीय कृष्णा गौर जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महापीठ के सूरज भान कटारिया जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सूरज कैरो जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चांदराम जी, वरिष्ठ समाज सेवी संस्था के विभिन्न पदाधिकारीगण, सभी हमारे जिला संगठन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने यहाँ परिचय का क्रम जारी है और एक अच्छी सभी को उपजातियों को एकीकरण के लिए संस्था की ओर से पहल की जा रही है। किस-किस जिले से आए युवक युवती? सारे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, अन्य जिले से भी आए। अरे भोपाल से है, विदिशा से है, इंदौर से है, उज्जैन से है, छतरपुर से है, सागर से है, मंडला से है, डिंडोरी से है और सभी जिले राजस्थान से है, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से। कितने लोग, कितने होंगे आज? क्या लगभग 1000 से ऊपर ही है, सब सामने आपके दिख रहे हैं सभी लोग। कितने वर्षों से निरंतर किया जा रहा है ये? तो निरंतर हमारा 15वां कार्यक्रम है परिचय सम्मेलन का। कोविड के बाद इस बार कोविड काल में भी हमने ऑनलाइन परिचय सम्मेलन किया और जो कि समाज के लिए महती आवश्यकता है कि जिन लोगों को परिचय नहीं है तो
तो उनको एक दूसरे से शादी विवाह करने के लिए बहुत ही अच्छा परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम है। तो हमने ऑनलाइन परिचय सम्मेलन किया था और उससे भी हमने ऑनलाइन पत्रिका जिनको आवश्यकता थी उन सबको हमने भिजवाई थी।